जल्दी जा रही है डॉक्टर के यहाँ, पीती पीती। इस शख्स के कारण मुझे काम बंद करना पड़ा था। इतना बढ़िया इंसिडेंट हुआ है। अब गोभी आप लोग के यहाँ कितना है, कितने रुपए है आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसने शगुन को बुरा सबसे ज्यादा क्या लगा, दुख क्या हुआ? कहाँ चल रहे हो रिधि? डॉक्टर के यहाँ। रिधि जा रही है डॉक्टर के यहाँ। रिधि जा रही है डॉक्टर। बोलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। इधर देखो, इधर इधर गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब भाई, अब जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही केवल यूज करते हैं उनके लिए क्या होगा? आप पहले ही बोर्ड पे लिख दिया करो, या जब आपसे बात हो रही है तब कर दिया करो कि भाई नहीं लेंगे, उसी वक्त रोक कर देता आदमी ना। अब दोबारा से जा रहे हैं फिर मतलब कि ये डॉक्टर लोग होके भी क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, डेबिट कार्ड नहीं। अरे क्रेडिट कार्ड तो मानते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड भी क्यों नहीं किसी के साथ? आजकल डिजिटल जमाना आ गया है और इन लोगों को नहीं कैश चाहिए केवल, क्योंकि क्या क्या कहे, कुछ नहीं कहेंगे, पैसा ही पैसा, कुछ और हो जाएगा बात क्योंकि टैक्स कटना हो जाएगा ना। कैश देंगे तो कुछ नहीं होगा उससे, और ऐसे में कैश देना पड़ेगा इन लोग को, कैश देंगे तो आराम रहेगा। अरे बहुत शैतानी हो रहा था, मैं तो वहाँ वीडियो नहीं कर पाई, बहुत शैतानी कर रही थी डॉक्टर के पास, कभी पेन छू रही थी, कभी कुछ, लेकिन इतना आराम से जैसे आई टेस्ट हम लोग का होता है वैसे आई टेस्ट करवाई है, इतना आराम से, जो कि अभी नहीं है कोई ऐसा बात नहीं है। अभी एक जो आई पैड होता है वो आइस पैड आंख सेकने वाला, वो मंगाना होगा, उससे करना है इसको आइस, और लेकिन अभी तो थोड़ा सा देखेंगे, अभी बच्चे को तो ना चश्मा पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा, के बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है। और भी अब अच्छी हो गई है, शैडो अभी जा रही है घूमने। शैडो, शैडो खाना खाया बेटा? 3 दिन के बाद खाना खाई है। किसको डांट रहे बेटा? दादू को? इधर इधर, उधर नहीं। कोई चीज मिलना चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए, सारे खिलौने पड़े हैं, लेकिन नहीं, बोतल से खेलना है, कागज से खेलना है। दादा अब उससे नहीं उतरेगा तो उससे उतरेगा ना, दिमाग इतना बाप। ये देखो, ये पानी का बोतल उधर कर लो। वीडियो कर रहे हैं एकदम, ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो भाई जो हमें मोटिवेट किया कि नहीं आंटी खोलो, अब खोलो बुटीक शुरू करो, भाई मेरी वो आ गई है, यही हमें ये की थी कि आप नहीं शुरुआत करो अच्छा रहेगा। तो मैं अब शुरुआत कर दी, और देखिए कि पहले लेके आ भी गई, और इन्हीं लोगों के सहारे से मतलब कि हो जाएगा पूरा मेरा, मुझे हमें पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं, देखिए आ गया, अब तो खैर लाइन लगे रहेंगे, मुझे पता है कि अब लाइन लगे रहेंगे। अभी अभी देखिए रिद्धि को चोट लग गई है, सुबह से ही मतलब 2 दिन से ही इसका पता नहीं क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे कोने में इतना जोर से चोट लगा है, और अभी अर्णिका खिलाया है इसको, अर्णिका इतने खुश होके खाई है, ये मीठी मीठी गोली होती है ना, देखो यहाँ पे गिरी भी है। हाँ बैठ जाओ, गुड गर्ल बैठ जाओ। अरे वाह, अभी भाभी आई भी है, उनके साथ खेल रही थी, और अभी पता नहीं अचानक टेबल के पास में गिर गई है। तो ये सब सामान सब आ गया, सामान सब करें, सॉरी स्टिचिंग के लिए आया है बहुत डेली, मतलब कि अब यही अफसोस लग रहा है कि 2 साल से बंद क्यों की थी मैं। ये लाइट नहीं चल रहा है, ये लाइट चेंज हो गया है, ये लाइट चेंज हो गया है, मतलब ओके आई एम सॉरी। अच्छा, और फिर रिधि को चोट लग गया बाबू को, देखे बेटा अभी दिखलाया मैंने, दिखाया वो, और बच्चा को चोट लग गया। सॉरी मैं फैन मैन बन गया, लाइट बंद हो रहा है, लग गया लाल। और काम इस शख्स के कारण मुझे काम बंद करना पड़ा था, नहीं कर रहे थे, नहीं करने दे रहा था, मात्र एक आदमी लड़ाई करके गया था, लड़ाई किया, मेरी गलती कुछ नहीं थी उसमें, नहीं देखो हर देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी आप इस चीज को नहीं कह सकते हो कि मेरी गलती नहीं थी, नहीं थी, कुछ ना कुछ गलती होती है, ताली दोनों हाथ से बजती है पहला चीज, दूसरा चीज
आप मान लो सामने वाला लड़ने के मूड से आ रहा है, आप उसको काउंटर कर सकते हो राइट वे में, बट वो भी है चलो कोई नहीं। और ये देखो नाश्ता उन लोग को दिया गया था, देसी हम लोग नाश्ता दिए थे, अरे फैला के रख दी है रिद्धि, और उसी चक्कर में उसी चक्कर में गिरी है अभी उठाने के चक्कर में बादाम। चल मैं सारे तो टेलर से नहीं सिलवाऊंगी, कुछ अपने खुद सिलूंगी, कुछ टेलर लोग से टेलर से सिलवाऊंगी, उनसे जो टेलर हमारे हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे काम है ना उनको क्या दे, जो ब्लाउज हुआ सूट हुआ ये सब वो सिलेंगे, बाकी सब मैं खुद करूंगी। अच्छा आइस पैक आ गया डैडी, ये बउआ का वो आप मंगवाए थे ना वो आइस पैड, आंख पे लगाना है डॉक्टर ने बोला, आंख पे लगा के आंख पे देखना है दो दो मिनट। अच्छा तो इसको आई थिंक ये रियूजेबल है, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रिज में रखना पड़ेगा, फ्रिज में बोला है कि ज्यादा कोल्ड नहीं कीजिएगा, चिल नहीं कीजिएगा, अच्छा नॉर्मल में रखिएगा, नॉर्मल वाले। मेरा बच्चा अभी क्या क्या सह रहा है यार इतनी छोटी उम्र में। आते हैं डैडी बंद कर लीजिए, सब्जी लेके आ रहे हैं। अभी इतना बढ़िया इंसिडेंट हुआ है, तब गोभी आप लोग के यहाँ कितना है, कितने रुपए है आप लोग बताइएगा कमेंट पे। हम लोग तो हमारे यहाँ पे सुबह कितने रुपए था, जो 60 रुपए किलो गोभी खरीदेगा वो जो पाएगा कि हर एक माल 20 रुपए मिला तो जल्दी जल्दी उठा लेना, हम लोग क्या गलती करी कि जल्दी जल्दी उठा लिया, अब रेट कम हो गए वो 10 रुपए हो गए, पहले 15 हुआ हमारे सामने फिर 10 रुपए हो गए, बगल वाले कैसे हम टमाटर खरीद रहे थे, इतना अफसोस हो रहा है ना कि थोड़ा सा देर और रुक जाते, थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर में 10 रुपए सीधे डाउन हो गए, 50% डिस्काउंट हो गया, और गोभी भी बढ़िया है, ये भी नहीं कि गोभी खराब। शगुना मेरा प्लान ऐसा चल रहा है कि हम लोग अगली बार आएंगे बोरा भर के यहीं से ले जाएंगे और वहाँ बेचेंगे फिर। आपको बिठाएंगे स्टार्टअप निकले, नया स्टार्टअप और ऑर्गेनिक सब्जी कह के डैडी पता है नहीं, पहले मैं बताऊंगा डैडी पता है अच्छा आपको मतलब सबसे बुरा कब लगता है, मतलब वो तो खैर कह नहीं सकते, बुरा तो बहुत चीजों से लगता है, मगर मैं बताता हूँ आज शगुन को बुरा किस चीज पे लगा है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए किलो सब्जी अगर कोई है, जैसे एक बार 150 रुपए किलो फूल गोभी मिल रहा था ना, तो भाई उसपे तो नहीं खरीदी शगुन, फिर अभी आज सुबह कितने रुपए किलो, 60 रुपए किलो, तो हाँ तो उस पर भी शगुन को बुरा लग रहा था। अभी यहाँ पे सब्जी पता कितने मिली फ्राइडे मार्केट में, नहीं 20 रुपए किलो शगुन ने ले लिया खुशी खुशी में, शगुन सबको मिल के ले लिए। उसके बाद शगुन के मतलब छाती पे सांप को लौटने लगा जब उसके बाद थोड़े देर घूम फिर के सब्जी और ले वे के हम लोग वहां पे खड़े हुए, उसने 10 रुपए जब किलो कर दिया तो हम जब मार्केट जाते हैं तो हम पहले चारों तरफ घूमते हैं। तो आप इसी मार्केट में ना, वो फ्राइडे मार्केट में शगुन पहली बार गई ना, नहीं फ्राइडे मार्केट में भी, अच्छा फ्राइडे मार्केट में भी हम पहले चारों राउंड, तो हम लोग पहले घूम लिए और राउंड लगाने के बाद हम देखते हैं, हम लोग भी पहले घूम लिए रेट वेट सब पता कर लिए, लेने सामान लेने के बाद उसने रेट कम कर दिया, इसलिए शगुन के सबसे महंगा ये है 40 रुपए का। हाँ शगुन कह रहे यार ये तो बहुत गलत हुआ, मिले बच्चा मिले काजू किशमिश, इसको खूब सरसों तेल पिला के सही किया है हम लोगों ने। माँ आज पता है क्या मतलब सबको स्टोरी बताने में कितना मजा आ रहा है। शगुन पहले मतलब यहाँ पे गोभी कैसे 60 रुपए, पहले तो एक टाइम था 150 रुपए किलो, फिर आया 60 रुपए किलो, ठीक है आज बैगन 60 रुपए किलो लेके आई है, अभी जहाँ से लेके आया वहाँ 20 रुपए किलो मात्र, बैगन गोभी शिमला मिर्च लौकी कुछ भी पत्ता गोभी भी 20 रुपए किलो। और सुनो तो सबसे मस्त क्या हुआ, वो ले लिया फिर आलू प्याज टमाटर सब लेके वे के हम जब वापस आए, उसने शगुन को बुरा सबसे ज्यादा क्या लगा, दुख क्या हुआ, उसने 10 रुपए किलो कर दिया और ताजा बिल्कुल ताजा, ये तो कुछ रुक ले रहा गोभी। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आप भाई सब बच्चे सब अच्छे हैं, रितु का भी सही हो गया वैसे सर पे, नहीं छूंगा। चलिए इसी के साथ में इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं, अगर आप लोग का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका चेहरा तो देखो किलो बैगन उठा। बाय बाय गुड नाइट।